देखिए कितना अच्छा तरीके से पकड़ा। अब इसको अच्छा सा काटेंगे, देखिए इस तरह सबको काट देंगे और उसके बाद आज पकाएंगे मटका में एकदम बढ़िया स्टाइल में, बढ़िया टेस्ट के साथ बनेगा आज बकरे का कपूरा करी। तो काटना हो गया, अब इसको लेके अच्छा से साफ कर लेंगे, पानी डाल के अच्छा सा धो लेंगे। अभी लगाएंगे मटका और अब बनेगा मटका में कपूरे का करी। अब डालेंगे उसमें सरसों का ऑयल, अब डाल देंगे उसमें गरम मसाला, इसमें है इलायच, दालचीनी, तेजपत्ता, शाही जीरा, लवंग और काली मिर्ची। अब डालेंगे उसमें अनियन, डालेंगे उसमें ग्रीन चिल्ली, अनियंस जल्दी पकने के लिए सबसे पहले डाल देंगे उसमें नमक। अब डाल देंगे उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, डाल देंगे टमाटो, अब डालेंगे उसमें कपूरे, ये देखिए एकदम अच्छा सा क्लीन करके ले गया है। अब ऊपर से डालेंगे हल्दी पाउडर एक स्पून, जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर 1-2-3 स्पून, अब डालेंगे उसमें एक स्पून गरम मसाला और अब जाएगा एक स्पून मटन मसाला। अब डालेंगे उसमें जीरा पाउडर, अब डालेंगे उसमें लेमन का जूस, अब इसको मसाला के साथ 5 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद पानी डाल के पूरा ढक्कन लगा देंगे आधा घंटा के लिए। अभी तो 5 मिनट हो गया और अच्छा सा फ्राई हो रहा, अब इसमें डालेंगे पानी। अभी इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन पूरा आधा घंटा के लिए, कम आग में पकाएंगे आराम से और मिलेगा बढ़िया टेस्ट, खाने में नरम नरम, ताज़ा ताज़ा, थोड़ा सा मिर्ची भी ज़्यादा। चलो अभी इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए करी एकदम रेडी हो रहा, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, ये देखिए कितना अच्छा तरीके से पक रहा। चलो अभी और 2 मिनट ऐसा छोड़ देंगे, अब डालेंगे उसमें थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और अब डालेंगे धनिया पत्ता। ये देखिए एकदम रेडी हो गया कपूरे का करी, तो चलो अब इसको नीचे उतारेंगे। ये गया, ऊपर थोड़ा सा ग्रेवी भी डालेंगे। चलो अभी खाएंगे कपूरे का करी, वो भी मटका में बनाया है। सो ये देखिए देखने में एकदम मज़ेदार दिख रहा, खाने के बाद पता चलेगा उसका टेस्ट कैसा है, तो चलो खा के बताएंगे। अभी ये देखिए कितना
इतना अच्छा सा पक गया, देखिए ये देखो इतना अच्छा सा पक गया। चलो अब इसको खाएंगे, क्या बात है, लाजवाब टेस्ट है, एकदम बढ़िया स्वाद आ रहा है इसमें, क्या मज़ा था टेस्ट है। देखिए और एक लेंगे,